नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस टू व्हीलर लोन के बारे में। यदि दोस्तों आप कोई भी टू व्हीलर टीवीएस कंपनी से परचेस करते हैं, टीवीएस का बाइक कोई भी टू व्हीलर अगर आप खरीदते हैं, तो दोस्तों आपको यदि फाइनेंस कराने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको टीवीएस क्रेडिट आपको ऑफर करता है कि आप उनका जो फाइनेंस है उससे आप फाइनेंस करवा के कोई भी बाइक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कैसे दोस्तों आप वहां पर अपना अप्लाई करेंगे। यही दोस्तों आप टीवीएस का कोई भी बाइक टीवीएस फाइनेंस से करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं, कितना डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट आपको होता है, साथ ही आप जानेंगे कि दोस्तों आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या होते हैं यदि दोस्तों आप वहां से कोई भी बाइक को टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस से लोन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी वेस्ट टाइम के आपको बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों पहले अप्लाई करने का प्रोसेस ही हम जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना होता है। तो अप्लाई करने के दोस्तों आपको दोनों प्रोसेस मिल जाते हैं, चाहे आप ऑफलाइन कर सकते हैं तो आपको एजेंसी पे जाकर के ये फाइनेंसर से बात करनी होती है, और उसके बाद में वहां से दोस्तों आप अपना लोन को है जो क्रेडिट करवा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, तो ऑनलाइन के लिए दोस्तों आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे टीवीएस क्रेडिट के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है यदि दोस्तों आप यहाँ से कोई भी बाइक जो है फाइनेंस पर लेते हैं। तब दोस्तों फीचर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया आप दोस्तों बता देते हैं। फीचर एलिजिबिलिटी में आपको दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी जो है वो आपका इंडियन होना चाहिए, साथ ही दोस्तों आपका जो एज है वो आपको यहाँ पर मिनिमम 18 वर्ष से होनी चाहिए, और अधिकतम दोस्तों जो एज है आपकी वो 65 ईयर यानी 65 साल तक होनी चाहिए। और दोस्तों आप यहाँ पर एक्टिव स्टेटस में जो अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो दोस्तों आपको एम्प्लॉयमेंट के दोस्तों एक्टिव होना चाहिए, आप कुछ करते हो। और उसके बाद दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयमेंट खुद का आपका है, तो दोस्तों आप वहां पर जो ITR फाइल करते हैं, तो दोस्तों आपका उसमें 1 ईयर का होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यदि दोस्तों आप यहाँ पर EMI कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इनका कैलकुलेटर भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यदि आप दोस्तों यहाँ से कोई भी टू व्हीलर लेते हैं, तो दोस्तों कितने टाइम में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम 2 मिनट से ज्यादा का अप्रूवल नहीं लगता है, और आपको दोस्तों 2 से 5-10 मिनट में आपको यहाँ पर अप्रूव हो जाता है अगर आप ऑनलाइन करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कितना मिल सकता है फंड, तो वो दोस्तों आपके बाइक परचेज के लिए यहाँ पर अप टू 95% तक का यहाँ पर आपको मिल जाता है। और इसके बाद दोस्तों आपको मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट कितने देने पड़ेंगे, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर कम से कम डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप मैंने ऑलरेडी सब कुछ दिखाया गया है, इंडिविजुअल अगर आप हैं तो क्या क्या लगेगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी सेम आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जब आप देते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में आपका दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और एज प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर पैन कार्ड लगने वाला है। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर राशन कार्ड, पासपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपके पास बिल है तो आप बिल यहाँ पर सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों इनकम प्रूफ में आपका दोस्तों जो भी सैलरी स्लिप रहेगी वो आपकी चलेगी फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ITR दिखाना पड़ेगा 1 ईयर या 2 ईयर का। अदर डॉक्यूमेंट में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है यदि आप दोस्तों आपके पास ITR नहीं होता है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एज प्रूफ की बात करें दोस्तों, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आप जब लोन ले लेते हैं, तो दोस्तों आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर टीवीएस क्रेडिट जो है आपको ऑफर करता है 16% से लेकर के दोस्तों अप टू 35% तक का यहाँ पर आपको लोन दिया मिलता, कितने परसेंटेज पर आपको दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोसेसिंग फी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दोस्तों आपको यहाँ पर 2% तक का देना पड़ सकता है। आपको वहां पर अपने कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं या फिर चैटिंग करना चाहते हैं, तो साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सअप और कॉलिंग की दोनों की सुविधा, यहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं उनको कॉन्टेक्ट। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पर अपना कैलकुलेटर करना चाहते हैं कि दोस्तों आप कौन सा बाइक लेना चाहते हैं और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिलेगा, तो वो दोस्तों आप यहाँ पर EMI कैलकुलेट भी कर पाएंगे, इनका कैलकुलेटर भी इन्होंने दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों आपको नीचे बात करें कि दोस्तों इनके अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कोई भी व्हीकल सिलेक्ट करना है। व्हीकल सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी डिटेल डालनी होती है, बेसिक डिटेल जो आपकी रहेगी,
और इसके बाद दोस्तों आपका जो लोन है वो कुछ ही मिनट में आपका अप्रूव हो जाता है। और इनके बहुत सारे मतलब ये क्या बोलते हैं, अगर आपके क्वेश्चंस हैं कुछ तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर भी इसको रीड आउट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।